यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझी तड़पावे, गलियां तेरी सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है हैसला, तू मेरे जोरदार तालियां फॉर पल्लवी एंड अंके। क्या बात है यार, क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिया आपने। अंकित, एक से बढ़कर एक रोमांटिक गाना, मतलब ऐसे इतने रोमांस कूट कूट के भरा हुआ है तुम में। कोई भी अगर इमेजिन करे तो लगता है अंकित जो है वो लव मैरिज ही करता, लेकिन अरेंज्ड मैरिज, ये कैसे? दो परिवारों को आपस में प्यार हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें भी प्यार हो जाए, तो जब मिले तो थोड़ी गुफ्तगू हुई। हम सबसे पहली मुलाकात हमारी फ़ोन पे ही थी, फ़ोन पे मिले, बातें बढ़ी, धीमे धीमे आगे बढ़ते 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 शादी हो गई, तो समझ ही नहीं आया कब शादी हो गई, बस हो गई। मैरिज फाइनली हो गई आप लोगों की, प्यार कब हुआ दो? शादी के बाद मेरे अरमान थे कि मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, मैं ऐसे तैयार होंगी, मैं ऐसा करूँगी। तो जब मैं आई यहाँ पे तो कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गई, कि मतलब टोकना स्टार्ट हो गया कि तुम किचन में काम क्यों नहीं करती हो, अगर मैं लेट उठ रही हूँ तो ऐसा लगता था कि किसी ने मतलब मैंने क्राइम कर दिया हो। पढ़ाई के लिए भी मुझे उतना आगे बढ़ाया नहीं गया, फिर फाइनेंशियली भी मुझे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया, कि मतलब मेरे हाथ में पैसे नहीं रहते थे, कि मेरे को डोमिनेट करते थे बहुत, कि तुम तो मेरी माँ से चिढ़ती हो, तुम तो मेरे पापा से ऐसा करती हो। उसको मेरी फीलिंग समझ में नहीं आती थी कि मैं कैसे घुट घुट के जी रही हूँ। तो मैं बहुत टूट गई और मैंने ये स्टेप लिया कि मैं अब बेंगलोर चली जाऊँगी, और मेरे हाथ में सिर्फ अकेली आर्या थी, बहुत छोटी सी थी, मुझे लगता 6 महीने की होगी। वहाँ से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया हमारी फैमिली में। आई एम अ ममास बॉय, हमेशा से रहा हूँ, तो क्या होता है कि हम सब साथ में रहते हैं,
तो मैंने पहली बार ये रियलाइज किया कि सब मुझे बोल रहे हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है। मैं सबको टाइम दे रहा हूँ, मैं सबके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन तब भी शिकायत मिल रही है कि तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो, तुम बैठ ही नहीं रहो मेरे साथ, तुम अब सबसे टफ जब से बीवी आ गई बदल गए हो। इधर से कुछ और बातें कि नहीं नहीं तुम वहीं जाओ, ठीक है तुम बैठो, ठीक है आई एम गुड। वो धीमे धीमे क्या हुआ कि पता ही नहीं चला कि दूरी हो गई, और फाइनली एक ऐसा दिन आया जो ये मुझे छोड़ के चली गई। और मेरी छोटी बच्ची के साथ चली गई। और मुझे बोलते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, इन्होंने डिवोर्स पेपर तैयार कर लिया, तुम चली गई हो तो तुम अब जाओ और मैं भी अपना देख लूंगा। बट उसी बीच में क्या हुआ, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, उतनी छोटी एज में एडमिट हो गई हॉस्पिटल में। अरे बाप, सीधा मैंने टिकट कराया, मैं बैंगलोर गया। अब मैंने देखा सामने तो ऑफ कोर्स मतलब मेरी वाइफ है और मेरी बच्ची सामने है, तो वो एक कुछ तो हुआ कि सब कुछ याद आ रहा था कि क्या पागल हूं मैं, क्या कर रहा था मैं, मतलब गुस्से में लिया हुआ डिसीजन गलत ही होता है। तो फिर मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा चलो, टॉपिक वहीं खत्म हो गया। वहां से शुरुआत हुई केयर, टर्निंग पॉइंट आया कि केयर कर सकते हैं एक दूसरे की। फिर धीरे धीरे करके जब हम लोगों के बीच में करीबी आई तो मुझे लगा एक्चुअली बहुत अच्छा था यार ये, तो मतलब हम लोग गलती कर रहे थे। तो जब हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करने लगे तो मुझे लगा नहीं यार ये बहुत अच्छी, मतलब ये पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। हम अपने घर पे हैं, अपने माहौल में हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन एक लड़की अपना घर, अपना मोहल्ला, सब कुछ, अपने कपड़े, अपना रूटीन, अपने दोस्त, पापा, मम्मी, अपने लोग, वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आती रहने। तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको सर आंखों पे रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसकी हर जिद पूरी करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो खुश रहे, क्योंकि वो मेजर खुशी छोड़ चुकी है तुम्हारे लिए। एक लड़की सबसे ज्यादा अपने बाप से प्यार करती है, ऐसा मैं फील करता हूं। जब बहुत ही बढ़िया बात की आपने, बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया बात यार। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ अंकित, ये बोल के ना ट्रस्ट मी, आज अगर हिंदुस्तान का हर मर्द ऐसे सोचने लगेगा तो आई थिंक कितना खूबसूरत हो जाएगा ये देश यार। एक बार जोरदार तालियां। इन्होंने ना अपनी प्रॉब्लम को, ना अपनी ईगो को, किसी भी चीज को आगे ना रखते हुए सबसे आगे रखा अपना रिश्ता। और आई थिंक अगर हर एक ऐसे सोचने लगे तो आई थिंक कोई भी शादी अधूरी नहीं रहेगी, कोई भी जोड़ा बिछड़ेगा नहीं। आई थिंक ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन आज यार पल्लवी पहली बार आई है यार अंकित, मतलब कुछ तो स्पेशल बनता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और इतना आपने मुझे प्यार और आर्या दिया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ आज इस वक्त पर, इस माहौल में, आप सबके सामने। क्या बात है, बिल्कुल आई थिंक हो जाए। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आज तुम्हें तू है के नहीं, मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है के नहीं, तू है के नहीं, तू है। Yeah.
दौड़ते हैं खाब जिनपे रास्ता वो तू लगे, नींद से जो आँख का है वास्ता वो तू लगे। तू बदलता वक्त को ही खुशनुमा सा पल मेरा, तू वो रंगा जो न ठहरे आने वाला कल मेरा। मैं आस पास तेरे और मेरे पास, तू है के नहीं